पहले बात करने वाले हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने सुप्रिया श्रीनेत का टिकट काट दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत के ऊपर कांग्रेस ने कार्रवाई कर दी है। टिकट नहीं दिया गया है, उनका टिकट काट दिया है। महाराजगंज से कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है सुप्रिया श्रीनेत को। कंगना रनौत पर विवादित टिप्पणी की थी, विवादित पोस्ट किया था, जिसके बाद उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया था। अपनी तरफ से सफाई भी देनी पड़ी थी, लेकिन अब कांग्रेस ने कार्रवाई कर दी है। पोस्ट के बाद कांग्रेस ने सुप्रिया श्रीनेत का टिकट काट दिया है। 2019 में महाराजगंज से हार गई थी सुप्रिया श्रीनेत, और इस बार भी कयास लगाए जा रहे थे कि महाराजगंज से कांग्रेस फिर से उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन कंगना रनौत पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया। कंगना पर टिप्पणी के बाद बीजेपी के निशाने पर सुप्रिया श्रीनेत। कांग्रेस ने कल देर रात जारी की है अपनी 8वीं लिस्ट, जिसमें सुप्रिया श्रीनेत का नाम नहीं है। वीरेंद्र चौधरी को महाराजगंज से उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी के टिकट के बाद अब चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बीच विवादित टिप्पणी करना, पोस्ट करना सुप्रिया श्रीनेत को भारी पड़ गया है। शिवम हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए इस खबर पर। शिवम, अब कयास तो इसी बात के लगाए जा रहे थे कि महाराजगंज से एक बार फिर से चुनावी मैदान में सुप्रिया श्रीनेत को उतारा जा सकता है, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि कंगना रनौत पर टिप्पणी करना भारी पड़ा है सुप्रिया श्रीनेत को। कंगना रनौत को पर टिप्पणी करना और इस तरीके का सोशल मीडिया से पोस्ट, निश्चित तौर पर सुप्रिया श्रीनेत की न सिर्फ इमेज को भारी पड़ा है बल्कि पार्टी के लिए भी डिफेंड करना मुश्किल हो गया था। सूत्रों का यह दावा है कि सुप्रिया श्रीनेत का नाम लोकसभा चुनाव को लेकर कई जगह से चला था, और स्क्रीनिंग कमेटी के जो पैनल है उसमें भी महाराजगंज से उनका नाम रखा गया था। सूत्र ये दावा करते हैं कि सुप्रिया ने हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने में काफी दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन पार्टी ने जिन जिन बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी है उन्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक थी। ऐसे में माना यह जा रहा था कि महाराजगंज से सुप्रिया श्रीनेत को दोबारा उतारा जाएगा, क्योंकि पिछला चुनाव उन्होंने वहां से लड़ा था, लेकिन कल पार्टी ने सुप्रिया का टिकट काटते हुए वहां से सिटिंग एमएलए हैं जो वीरेंद्र चौधरी यूपी में कांग्रेस के, उनको टिकट दिया है। तो आप कह सकते हैं कि महाराजगंज से इस बार सुप्रिया श्रीनेत का टिकट कट गया है। चर्चाएं ये भी थी कि वो किसी दूसरी सेफ सीट को चुनेंगी, लेकिन लगभग सभी लोकसभा सीटें हैं जो 17 कांग्रेस पार्टी को मिली है, रायबरेली और अमेठी को छोड़ दे तो सभी सीटों पर प्रत्याशी तय हो गए। तो ऐसे में माना जा सकता है कि इस बार सुप्रिया श्रीनेत को लोकसभा का टिकट कांग्रेस पार्टी नहीं देने वाली। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है शिवम यहाँ पर कि जिस तरह से विवादित पोस्ट किया गया, उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत की सफाई भी आ गई, पोस्ट भी डिलीट कर दिया, उन्होंने कहा कि उनका एक्स अकाउंट है जो उसका कई लोगों के पास एक्सेस है, हैक हो गया था, वो इस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल किसी भी महिला के लिए नहीं कर सकती है। अब पार्टी ने भी एक्शन ले लिया है, इसे आप एक्शन के तौर पर ही कहेंगे? चुनाव लड़ना चाहती थी और इस तरह कई जो उन्होंने अब तक टीवी डिबेट किए हैं उसमें इस बात की चर्चा भी की है कि वो भी चुनावी मैदान में उतरेंगी, और पार्टी जहां से भी उनको टिकट देगी वो चुनावी मैदान में उतर के पूरे दमखम के साथ अपनी पार्टी को जिताने की कोशिश करेंगी, लेकिन क्या इतने भर से अब जो टिकट नहीं दिया गया सुप्रिया श्रीनेत को मामला शांत हो जाएगा कंगना रनौत पर विवादित पोस्ट करने का? शिवम, सेल्फ गोल कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत उन्होंने किया है। पार्टी को न सिर्फ डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है बल्कि कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री के सामने इस तरीके की टिप्पणी और फिर कंगना का जो बयान था उसने निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मुश्किलों में डाल दिया है। चुनाव का वक्त है, जाहिर तौर पर आने वाले समय में बीजेपी इसे भुनाएगी, लुभाएगी, लोगों को बीच लेकर जाएगी, और कांग्रेस पार्टी बखूबी इस बात को समझती है। यही एक वजह है कि कल सुप्रिया के नाम का ऐलान भी नहीं हुआ, और अगर सुप्रिया श्रीनेत की सीट पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार उतारे गए हैं उनको हराने के लिए बीजेपी इस मुद्दे को जरूर उठाएगी फिर से। बहुत शुक्रिया आपका शिवम जानकारी के लिए।